हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल सब्सक्राइब कीजिए रूमी फैमिली ब्लॉग को और बेल आइकन दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ होममेड बटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो देखिए ये होममेड बटर बिल्कुल मार्केट के जैसा बनकर तैयार हुआ है मार्केट में सिर्फ लाइट येलो कलर का होता है वो लोग कलर डालते हैं लेकिन मैं इसे बिल्कुल वाइट कलर में बनाई हूँ इसमें मैंने कोई भी कलर ऐड नहीं किया है और ये बिल्कुल मार्केट के जैसा बनकर तैयार हुआ है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए ये मैंने एक हफ्ता की मलाई इकट्ठा करके रखा है तो हम इसी मलाई से बटर तैयार करेंगे तो ये मलाई मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी तो देखिए मैं मिक्सी के जार में मलाई को डाल दी हूँ अब इसे पीस लेंगे तो इसमें आइस क्यूब डालकर पीस लेंगे ये बहुत ही आसानी से बटर बनकर तैयार हो जाता है मैंने इस बटर को बनाने में कोई भी अलग से कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं सिर्फ मैंने आइस क्यूब इसमें ऐड किया था और ये देखिए इज़िली बटर बनकर तैयार हो गया है तो इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब इसमें पानी डालकर इसे दो तीन बार धो लेंगे ताकि इसमें जितना भी छांच है वो सब बटर में से निकल जाए और ये धुल कर बिल्कुल साफ़ हो जाए तो इस तरह से स्पून की हेल्प से चला चला कर अच्छी तरह से इसका छाछ निकाल लेंगे तो देखिए कितनी आसानी से इसका छाछ निकल गया है अब स्पून को अलग हटा देंगे और इसे हाथ से सारे बटर को हाथ से एक जगह समेट लेंगे और इस तरह से बटर को हाथ से निकाल लेंगे और दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे तो देखा कितनी आसानी से ये सारा बटर एक जगह इकट्ठा हो गया है और इस तरह से एक डब्बा में शिफ्ट करते जाएंगे और इस तरह से बटर को थोड़ा दबा दबा कर इसका छाछ निकाल लेंगे तो इसी तरह से मैं दो तीन पानी से बटर को धो लूँगी मैंने एक बार आप लोगों को धोते दिखा दिया है इसी तरह से मैं दो तीन बार धोकर बटर को साफ़ कर लूँगी ताकि इसमें जितना भी छाछ है वो सब बाहर निकल जाए तो देखिए मैं एक डब्बा में से फैलाकर फ्रीजर में रख कर जमा ली हूँ अब मैं इसे आप लोगों को निकाल कर दिखाती हूँ कि ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जम गया है ये देखिए मैं निकाल ली हूँ बिल्कुल सेट हो गया है जैसे मैंने इसे डब्बा में जमने के लिए रखा था बिल्कुल वैसे ही ये जमकर तैयार हुआ है तो आइए मैं इसे पीसेज़ में कट कर करके आप लोगों को दिखाती हूँ तो देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे बटर तैयार हो गया है बनकर आप इसे जितना यूज़ करना चाहते हैं आपको अगर ज़्यादा बटर की ज़रूरत है तो दो पीस तीन पीस यूज़ कर सकते हैं अगर कम की ज़रूरत है तो एक ही पीस यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी होममेड बटर की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या लगातार आप मेरी रेसिपी देखते आए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़टाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़